मित्रों, मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आज के इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की हमारी सरकार विकास, विश्वास और सुशासन के अपने 3 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने, उसे विकास, विश्वास और सुशासन में बदलने में हमें सफलता प्राप्त हो पाई, क्योंकि हम सबके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव हम सबका संबल बनी रही, जिसके परिणाम स्वरूप हम सबने देश के सबसे बड़े राज्य में लुढ़की हुई कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने, पटरी से उतर चुके विकास कार्यों को पुनः द्रुत गति से आगे बढ़ाने, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर आम जन का जो विश्वास पूरी तरह समाप्त हो रहा था, उसे बहाल करते हुए इसे सुशासन के घोषित लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अध्यक्ष के रूप में आज के गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के सभी पदाधिकारियों का, प्रदेश संगठन के साथ ही मेरे सभी सहयोगी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों का जो सहयोग हमारे साथ में रहा है, उसके परिणाम स्वरूप हमें 3 वर्ष के दौरान इन सभी चुनौतियों को अवसर में बदलने में सफलता प्राप्त हुई। अगर मैं इन 3 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करूं, तो हर व्यक्ति जानता है कि जो प्रदेश के सामने चुनौतियां थीं, इन चुनौतियों ने ही हमें जूझने की प्रेरणा दी, उसे अवसर में बदलने का एक अवसर दिया, और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक क्षेत्र में कुछ नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दिखाई दिया। हर एक कार्यक्रम जो देश के अंदर एक अन्य क्षेत्रों में एक सामान्य कार्यक्रम बनकर के रह जाते थे, आज उत्तर प्रदेश ने जब भी उनमें हाथ डाला तो वह अपने कुछ नए तरीके से देश के सामने प्रस्तुत होता हुआ दिखाई दिया। याद करिए, 2019 के प्रारंभ में ही पहला आयोजन प्रयागराज कुंभ का था। 24 करोड़ 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इस आयोजन में सहभागिता बना करके स्वच्छता, सुरक्षा
और सुव्यवस्था का जो एक मानक प्रस्तुत किया, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक यूनिक इवेंट बन गया। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, जिस आयोजन को पहली बार राष्ट्रीय राजधानी या किसी राज्य की राजधानी के बाहर आयोजित किया गया था, यह अपने आप में एक नया मानक तैयार करता दिखाई दिया। लोकसभा का सामान्य निर्वाचन 163,000 बूथों पर बिना किसी हिंसा के सकुशल संपन्न होना और इसके उपरांत कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला जो उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होती भी दिखाई दी, चाहे वह 2018 में हम लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 68 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का रहा हो, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना को प्रारंभ करने का रहा हो, या फिर यूपी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश में निवेश और रोजगार की उन व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, प्रदेश के अंदर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 21 फोकस सेक्टर्स की पॉलिसी को बनाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, प्रदेश के हर जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालयों को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, या फिर प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास हों, कहां हमारे 2 से 3 एयरपोर्ट बामुश्किल फंक्शन में थे, आज 7 एयरपोर्ट हैं, प्रदेश में 11 नए एयरपोर्ट पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, उत्तर प्रदेश के ही जेवर एयरपोर्ट को दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं में शामिल करने में प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त होना, ये अपने आप में इस बात को देता है, इस बात का प्रमाण है कि परसेप्शन बदला है, हमने जनविश्वास की बहाली की है, प्रदेश को विकास और विश्वास के एक नए दौर में लेकर के जाने में सफलता प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है।